वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए एक और स्पेशल दशहरा स्पेशल फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो गाइस मुझे किसी भाई ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि भाई यार दशहरे के ऊपर फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए एक और स्पेशल दशहरे के लिए फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस आपने वीडियो थंबनेल देखा, आज हम कुछ इस प्रकार से पिक्चर एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन का जो पढ़ने वाला है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो अगर गाइस आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया है, जिसे देखकर आप मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। तो गाइस पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर टैप करना है और गाइस यहाँ पर आपको ओल्ड फोटो का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर गाइस सिंपली चले जाना है। तो गाइस मैं यहाँ पर जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड है जो सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेने के बाद गाइस आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन ऑन करना है और अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है, टेढ़ा कर लेना है, जिससे हमें इमेज एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए गाइस आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसमें से गाइस आपको यहाँ पर देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर गाइस आपको क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर अब देखिए आप मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कुछ इस तरह से आपको अपना एक अच्छा सा पोज देकर पिक्चर शूट कर लेना है और गाइस उसका पीएनजी इमेज बना लेना है। तो अगर आपको पीएनजी इमेज बनाना चाहे तो अच्छी बात है गाइस, नहीं आ रहा तो गाइस इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसे देखकर आप अपना क्लियर एचडी पीएनजी इमेज बना सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अपना पीएनजी इमेज सेलेक्ट कर लेना है और गाइस इस इमेज को यहाँ पर देखिए मेरा फुल बॉडी में है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेना है और यहाँ पर हमको इतना इमेज चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए, तो उसको गाइस डाउन कर देना है। तो गाइस हमारे इमेज छोटा थोड़ा सा आपको जूम कर लेना है पिक्चर को और थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोटेट कर लेना है इस तरह से, और फिर गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और गाइस आपको यहाँ पर देखिए ऐड फोटो के ऑप्शन पर फिर से एक बार क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर एक राउंड का पीएनजी इमेज है तो वो गाइस यहाँ पर ऐड कर लेना है और गाइस इस इमेज को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है और गाइस आपको यहाँ पर सेट कर लेना है अच्छे से। और गाइस यहाँ पर देखिए जो नेम आ रहा है तो गाइस सिंपली आपको इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गाइस कुछ इस तरह से पिक्चर को जूम कर लेना है दोनों में से टैप करके, और गाइस इसको आपको यहाँ पर इरेज कर देना है, कुछ इतना यहाँ पर इरेज कर देना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको फिर से इरेजर के ऑप्शन पर टैप करना है और गाइस इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम करना है और फिर गाइस आपको इसी पे एक बार टैप करना है और दोनों में से टैप करके कुछ इस तरह से पिक्चर को जूम कर लेना है और गाइस इसका थोड़ा सा ओपेसिटी और कम कर देंगे हम। और फिर गाइस इसको यहाँ से हल्का हल्का आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, इस हाथ से ड्रॉ कर लेना है आपको, सिंपली इस साइड का जो दिख रहा है वो यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है और फिर गाइस यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर टैप करना है एक बार और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पर चले जाना है। तो गाइस अब आपको एक धनुष का पीएनजी इमेज है वो ऐड कर लेना है और गाइस इस पिक्चर को कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा गाइस छोटा कर लेना है हमारा पिक्चर, तो इस तरह से छोटा कर लेना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर अपने हाथ के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेना है। तो देखिए गाइस राउंड का पिक्चर है जो यहाँ पर देखिए कुछ इस साइड में, तो इसको गाइस थोड़ा सा आपको इधर खिसकाना है कुछ इतना, और फिर गाइस यहाँ पर अपने पिक्चर पर क्लिक करना है इस धनुष वाले पिक्चर पर और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देना है और गाइस अच्छे से हाथ में यहाँ पर सेट कर लेना है। और फिर गाइस आपको इरेजर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर अपने उंगली के ऊपर से कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ करना है जिससे लगे हमारा ये धनुष है जो हमारे हाथ के अंदर है। तो गाइस फिर आपको यहाँ पर राइट के निशान पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइस ऐड फोटो पर चले जाना है। तो गाइस अब आपको एक बाण का पीएनजी इमेज है और एक ब्लड का पीएनजी इमेज है, दोनों को ऐड कर लेना है। और गाइस देखिए आपको सबसे पहले इस बाण को यहाँ पर कुछ इस तरह से रोटेट करना है और गाइस कुछ इतना आपको छोटा कर लेना है और गाइस यहाँ पर देखिए आपको पेट के अंदर कुछ इतना यहाँ पर सेट कर लेना है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं पिक्चर को और कुछ इतना आपको यहाँ पर सेट कर लेना है इस पेट के अंदर जा रहा है कुछ इस तरह से। और फिर गाइस इस ब्लड पर क्लिक करना है और गाइस इसको आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस ब्लेंडिंग मोड पे जाना है और इसको गाइस आपको यहाँ पर डार्कन पे क्लिक कर देना है जिससे हमारा पिक्चर है जो व्हाइट स्क्रीन वो रिमूव हो जाएगा। तो गाइस अब आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और गाइस बाण पे क्लिक करना है और फिर गाइस इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ से कुछ इस तरह से आपको इतना इरेज कर देना है जिससे लगे यहाँ पर पेट के अंदर जा चुका है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार राइट के निशान पे टिक कर देना है और फिर गाइस आपको एक स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस ऐड फोटो के अंदर चले जाना है और अब गाइस आपको एक स्मोक का पीएनजी इमेज है वो ऐड कर लेना है
और गाइस इस इमेज को कुछ इस तरह से थोड़ा सा जूम करना है और आपको यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस ब्लेंडिंग मोड पे जाना है। इसको आपको यहाँ पर स्क्रीन पे टिक कर देना है और गाइस कुछ इस तरह से थोड़ा सा रोटेट कर लेना है और यहाँ पर आपको अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है तो गाइस यहाँ पर देखिए व्हाइट लाइनिंग आ रही है तो गाइस इसी पिक्चर पर आपको फिर से क्लिक करना है और गाइस इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब गाइस आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ से ये लाइनिंग आ रही है कुछ इस तरह से आपको इरेज कर देना है और इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार राइट निशान पर टिक कर देना है। तो फिर गाइस आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर टैप करना है फिर से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। वो गाइस अब यहाँ पर आपको शिवजी का 3 लाइन है उसका PNG इमेज है तो वो गाइस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस इस इमेज को आपको थोड़ा सा छोटा करना है और गाइस आपको यहाँ पर अपने माथे के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लेना है अपने हेड के ऊपर और फिर गाइस यहाँ पर देखिए अच्छे से सेट नहीं हो रहा है। गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है फिर दोनों उंगली से टैप करके पिक्चर को जूम कर लेना है और गाइस अब आप यहाँ से आसानी से इस पिक्चर को सेट कर सकते हो। तो गाइस इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेना है और थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं गाइस काफ़ी बड़ा है तो इसको इतना यहाँ पर सेट कर लेना है और फिर गाइस आपको इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको आपको यहाँ से इरेज कर देना है और गाइस आपको एक बार राइट निशान पर टिक करना है। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है फिर से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। गाइस आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन लेंस फ्लेयर का PNG इमेज है तो वो गाइस ऐड कर लेना है। 2 पिक्चर्स है दोनों को यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस सबसे पहले आपको इस पिक्चर को यहाँ पर साइड में रखना है और इस पिक्चर पर क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। फिर गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस ब्लेंडिंग मोड पे जाना है और इसको गाइस आपको यहाँ पर लाइटिंग पे क्लिक कर देना है और इसको गाइस कुछ इस तरह से थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। फिर गाइस आपको इस पिक्चर पे क्लिक करना है और इसको गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आपको पिक्चर को छोटा करना है कुछ इतना आपको यहाँ पर पिक्चर को छोटा कर लेना है और गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर गाइस नीचे स्क्रॉल करना है और गाइस ब्लेंडिंग मोड पे जाना है इसको गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टिक कर देना है और अब गाइस आपको यहाँ पर देखिए डबल लेयर का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पे गाइस आपको एक बार क्लिक करना है और इसको गाइस आपको यहाँ पर मूव डाउन कर देना है पीछे चला जाएगा और फिर गाइस इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा करके अपने हेड के पीछे यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है और गाइस आपको यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर लाइनिंग आ रही है तो इसको गाइस सिंपली यहाँ से इरेज कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको आपको यहाँ से इरेज कर देना है और फिर गाइस राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है। तो गाइस अब आपको एक दशहरे का PNG इमेज मिलेगा हैप्पी दशहरे नाम से तो वो गाइस ऐड कर लेना है आपको और गाइस इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करना है और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं गाइस तो इसको गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस अब आपको एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो हमारा पिक्चर तो एडिट हो चुका है तो अब गाइस इसमें थोड़ा इफेक्ट ऐड और करते हैं तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको यहाँ पर देखिए FX के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो गाइस मेरे PixArt प्रीमियम में सभी इफेक्ट और फिल्टर है जो बिल्कुल फ्री आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं एक बार ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस हमारा ये इफेक्ट ऐड होने के बाद कितना शानदार पिक्चर बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए गाइस हमारे पिक्चर के आसपास जो व्हाइट लाइनिंग आ रही है इसको रिमूव करेंगे। सिंपली आपको इसी इफेक्ट पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर इसको अनशार्प को थोड़ा सा कम कर देना है आपको ब्लर के जितना रख लेना है और गाइस राइट के निशान पे टिक कर देना है। तो गाइस देख सकते हो हमारा पिक्चर कितना शानदार बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए गाइस अब इसे गैलरी में सेव करते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गाइस आपको यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है गैलरी का तो इस पे गाइस आपको एक बार टैप कर देना है जिससे हमारा पिक्चर है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और गाइस जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और गाइस जाते वक्त बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा तो जब भी गाइस आपको यहाँ पर मेरा वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।